नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि से अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देखने के लिए। जो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जिस दिन का इंतजार सालों से करते आ रहे थे, दोस्तों अब आपके लिए वह दिन आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आपको जो लोग सालों से परेशान करते आ रहे थे, दोस्तों जो लोग आपका जीना हराम कर दिया था या फिर जो आपके दुश्मन तत्व बने हुए हैं, दोस्तों अब उन लोगों का कब्र खुद चुका है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी मनमानी बहुत कर लिया है। दोस्तों, अब अगले 24 घंटे के भीतर उनका खेल ख़त्म होने वाला है जी। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आपके दुश्मन ने अपनी ज़िंदगी में पाप करने में और बुरे कर्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं, जिस कारण से अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मन के साथ जो घटनाएं होने वाली हैं, दोस्तों उसे देखकर आप सभी का रूह कांप उठेंगे। दोस्तों, आपने शायद कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे दुश्मन के साथ कभी कुछ ऐसा भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कर्मों का फल एक न एक दिन इस जीवन में सभी को मिलता है। जो इंसान अपने जीवन में जैसा कर्म करता है, दोस्तों उस इंसान को इसी जीवन में उसे उस कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। और आपके दुश्मन ने अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म किया था, दोस्तों अब उन लोगों को अगले 24 घंटे के भीतर भगवान गणेश जी वैसा ही फल देने वाले हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों को जो सजा मिलने वाली है, दोस्तों उसे देखकर आपका तो बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जहाँ आपके दुश्मनों को सजा मिलने वाली है, दोस्तों वहीं दूसरी तरफ से आप लोगों को दो बड़ी खुशखबरी अचानक से प्राप्त होने वाली हैं। दोस्तों, यह खुशखबरी आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है, जैसे कि आपके व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है, करियर के क्षेत्र में हो सकती है, या फिर वह अन्य किसी भी क्षेत्र में यह खुशखबरी हो सकती है। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। हम आप लोगों को सारे के सारे जानकारियां पूरी सटीक बताएंगे कि अगले 24 घंटे के भीतर आप लोगों को भगवान गणेश जी कृपा दृष्टि से कौन से बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं और यह खुशखबरी आपकी ज़िंदगी के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। साथ ही इन 24 घंटे के समयावधि में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, तो कौन सी गलतियों को करने से आप लोगों को या 24 घंटे तक बचकर रहना होगा, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की मुसीबतों का और समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और साथ ही इन 24 घंटे के समयावधि में आपको किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, हम आपको सारे के सारे जानकारियां पूरी सटीक भविष्यवाणी करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले भगवान गणेश जी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय विघ्नहर्ता गणेश जी जरूर लिखें, आपके जीवन के सारे विघ्न हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आने की दोस्तों 21 मार्च का दिन आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लाभकारी दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके कुंडली के अष्टम भाव से लेकर के दशम भाव में भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान हो चुके हैं, जिस कारण से आज आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग जिस भी क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे, दोस्तों आज आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दोस्तों वह कार्य आपका समय से
पूर्ण भी होगा और उसमें आप लोगों को में से कहीं ज़्यादा लाभ की प्राप्ति भी होंगी। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपके जीवन काल में किसी प्रकार की समस्याएँ काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान करते आ रहे थे, आपका जीना हराम कर दिया था या फिर जो समस्याएँ आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, दोस्तों अब उन सारी समस्याओं से आप लोगों को इन 24 घंटे के भीतर मुक्ति मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों अब आपके ऊपर विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, जिस कारण से आपके जीवन के अब सारे विघ्न दूर होंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट पीड़ा दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगी और आपको अब वो खुशियाँ प्राप्त होंगी। दोस्तों जिस खुशखबरी को पाने के लिए देखने के लिए आपकी आँखें सालों से तरस गई थी, दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में जितना भी दुख तकलीफ झेलते हुए आ रहे थे, जितना भी आपने कष्ट पीड़ा उठाए थे, दोस्तों अब आप लोगों को उससे 10 गुना सुख की प्राप्ति इन 24 घंटे के बाद से होने वाली है। दोस्तों यूं कहें तो अगले 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव होंगे, वो परिवर्तन होंगे और वो चमत्कार होंगे दोस्तों, जिस चमत्कार के बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कर्म आपने किए हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत भी किए हैं और उसी मेहनत का फल अब भगवान आप लोगों को इन 24 घंटे के भीतर देने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग जिस सपना को सच और साकार करने के लिए आप लोग जो आप दिन रात मेहनत करते थे, जो आप परिश्रम करते थे, दोस्तों अब आपका हर एक सपना, आपका हर एक ख्वाहिश इन 24 घंटे के भीतर पूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों अब भगवान गणेश जी का आदेश आ चुका है, दोस्तों अब आपके जीवन के सारे समस्याएं दूर होंगी और आपको वह सारे खुशियां प्राप्त होंगी जिसके लिए आप भगवान से हमेशा प्रार्थना और कामना करते रहते थे। और आपके ज़िंदगी में आपके जो भी दुश्मन तत्व बने हुए हैं दोस्तों, अब उन लोगों के साथ इन 24 घंटे के भीतर जो होने वाला है उसे देखकर आपको अपनी आँखों पर यकीन और विश्वास नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों उनका अब कब्र खुद चुका है, दोस्तों उनकी मनमानी अब समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों यूँ कहें तो आपके दुश्मन का अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों अब आपके दुश्मन का अंत करीब आ चुका है, अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उनके साथ जो होगा उसके बारे में किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। और दोस्तों आज आपके हर काम का हल चुटकियों में निकल आएंगे। दोस्तों आप अगर आज किसी भी काम में अगर आप फंसेंगे तो दोस्तों उस परेशानियों से आप लोगों को आज जल्दी ही मुक्ति भी प्राप्त होंगी और आज ऑफिस में आपके काम की अच्छी खासी तारीफ भी होंगी। आज किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका भी मिलेंगी और आज अधिकारियों को आपकी राय पसंद भी आएंगी। और दोस्तों आपका जो भी कार्य किसी भी क्षेत्र में लंबे समय से रुका हुआ था दोस्तों, वह भी कार्य आज आपका अचानक से पूरा होगा, जिससे आपका मन आज काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं। और आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन के सारे समस्याओं को दूर करने में कामयाबी हो सकते हैं। और दोस्तों आज राजकाज में आपको सफलता भी मिलेंगी। और दोस्तों अगर किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी में आपके मुकदमे काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रहे थे तो दोस्तों उसमें भी आज विजय के प्रबल योग में आपके बन रहे हैं और आज आपके घरों की स्थितियां भी आपके पक्ष में ही चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी में मामला चल रहे थे तो उसमें भी ऐसे में आपको जीत दिला सकते हैं। और आप जिस काम को काफ़ी दिनों से टाल रहे थे दोस्तों, उस अधूरे काम को आज पूरा करने के लिए दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे समय से अगर न्यू वाहन खरीदना चाहता था या फिर कोई नया घर खरीदना चाहता था या फिर कोई ऐसा कीमती चीज़ खरीदना चाहता था जो उसे बहुत ही पसंद था दोस्तों, तो वो लोग आज के दिन वो अभी खरीद सकते हैं। क्योंकि आज भाग्य और किस्मत दोनों आपके साथ रहेंगे, जिस कारण से आज उस ख्वाहिश को भी आज पूरा कर लेंगे, जिनसे आज आपका मन काफ़ी खुश और काफ़ी परेशान भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों यूँ कहें तो अगले 24 घंटे का इसमें आप लोगों के बहुत ही अच्छा समय रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को आज
थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकताएँ होंगी। जैसे कि दोस्तों, आज आप लोगों को किसी से विवाद करने से बचना होगा, आज आप लोगों को किसी से झगड़े करने से बचना होगा, नहीं तो आपके लिए समस्याएँ हो सकती हैं, आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आज आप किसी भी क्षेत्र में आपको विश्वास और भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आज आपके अपने लोग ही आपको आज धोखा दे सकते हैं। तो जरा आप लोगों को इस बात को या समय ध्यान में रखना है, और आज आपको किसी पर विश्वास यकीन बिल्कुल भी नहीं करना है। आज आप जो भी कार्य करेंगे स्वयं ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, नहीं तो आप लोगों को बाद में समस्याओं और परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप लोग या समय ध्यान में ज़रूर रखना।